नमस्कार, मैं कविता मनीष उपाध्याय सिख वॉइस ऑफ इंडिया की खास पेशकश में सभी का स्वागत करती हूं। बैसाखी के पावन पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में आज दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से सैकड़ों यात्री पाकिस्तान गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के, महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, परमजीत सिंह राणा, परमजीत सिंह चंडोक, अमरजीत सिंह पप्पू ने सभी जत्थे में शामिल संगतों को सरोपा भेंट किया और शुभकामनाएं दी। मनजीत सिंह जी के ने इस अवसर पर बताया, इस जत्थे के साथ रागी जत्था भी जा रहा है जो पाकिस्तान के गुरुद्वारों में सिक्खी का प्रचार करेगा। आओ सुनते हैं मनजीत सिंह जी के जी ने क्या कहा। कि आपा रोज अरदास करते हैं कि खुले दर्शन दे दारे बख्शो। मैं समझदा हां कि समा आएगा कि जदों ओत गुरुधाम जिहड़ी गुरुआं दी छोह प्राप्त है, बगैर वीजे तो बगैर किसी रोक टोक तो उत्थे सानू जाण दी इजाजत मिलेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी और होर पंथक जथेबंदियां इहदे वास्ते सरकारी पद्धर ते जदोजहद कर रहियां ने। अज जिहड़ा जथा जा रहा है, पंजवीं दफा उत्थे अमृत संचार दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों कराया जा रहा है और इस गल की खुशी है कि जदों ये शुरू होया तो 40-50 की गिनती तो सीगा। ऐतकी जिहड़ी लिस्ट आई है 350 प्राणी उत्थे अमृत छकन वास्ते तैयार ने। असी समझते हाँ कि उस धरती से जाके अमृत संचार करके असी जिन्हें भी गुरु वाले बना सकीए, ये बहुत वड्डी साडी मैं समझदा जित है। और गुरु चरणा दे नाल असी संगत नू जिहड़ी देशा विदेशा तो भी उत्थे पाकिस्तान की धरती ननकाणा साहब पंजा साहब आते हैं, उन्होंने अमृत संचार करावां। पहला तो मैं इन्हों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों और सारिया संगतों वालों बड़ी वधाई दिना, जिहड़ा साडा जत्था इत्थों उस पाकिस्तान की पवित्र धरती ते चलिया जिहड़े साडे गुरु साहिबाना दे पवित्र गुरचरणा कमलों की छोह स्थान ने। उत्थे जाके जिथे 350 प्राणियों नूं अमृत छकाउणगे, उत्थे ही इस विसाखी दे उत्ते जिहड़ा खालसे दा जन्म दिहाड़ा आ रहा है, उसका उत्थे बहुत वड्डे पद्धर ते मनाउणा कीता जांदा और उहदे अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बड़ी वड्डी शमूलियत हुंदी आ। उहदे अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मैंबर साहिबान भी जा रहे हैं, साडे जत्थे भी जा रहे हैं। इहनां जिथे मैं वधाई दिंदा, उत्थे इस गल की वधाई भी दिंदा है कि उस धरती ते जाके भी इस वार पंजवीं वार जदों अमृतपान कराउण जा रहे ने, उस वेले वड्डी पद्धर ते सिख जिहड़े ने उह सिंह सजन जा रहे ने। मैं इस गल दी उन्हां नूं वधाई भी दिंदा है और धन्नवाद भी करदा जिन्हां ने बड़ी वड्डा उपराला करके ते एरकी इह प्राणी 350 तक पहुँचाए ने, उहदे वास्ते मैं उहनां दा धन्नवाद भी। बहुत खुशी की गल है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री पंजा साहब, श्री ननकाणा साहब जिहड़े साडे गुरधाम पाकिस्तान दे विच आ, उन्हां दे यात्रा दे वास्ते जत्था पाकिस्तान जा रहा है। जदों तों साडी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी होंद विच आई है, बादल सरकार, बादल अकाली दल, सानू पहले जत्थियां दे विच बड़ियां मुश्किलां आउंदियां सन पाकिस्तान अंबैसी तों वीज़ा लैण दे लई। जे असीं 400 दी लिस्ट दित्ती ते विच्चों 150 नाम उत्थों कट जांदे सन, पर साडे प्रधान साहब सकत्तर साहब की अड़थक मेहनत करके अच्छे रिलेशन बना के हुण साडे वीज़े दे विच कटौती नहीं आउंदी हैगी और सानू पूरे दे पूरे वीज़े मिलते हैं। असीं हुण 293 यात्रियों की लिस्ट दित्ती सी, जिहदे चों सानू 272 वीज़े मिले हैगे ने, जिहदे च 9 नाम साडी इंडियन सरकार ने कट्टे और 12 जिहड़े हैगे ने उह पाकिस्तान सरकार ने कट्टे। सानू इस चीज़ की होर खुशी महसूस होंदी है कि असीं धर्म प्रचार का जो संगत नूं वादा कीता सी कि धर्म प्रचार का आकार वधावांगे, वह आकार जिथे साडा दिल्ली और दिल्ली तो बाहर दे सूबिआं दे विच आया सी, असी पाकिस्तान दे विच इस आकार नूं वधाया है और पंजवीं वार असी अमृत संचार करन जा रहे हां। सानू उत्थों सरदार बलवंत सिंह जी जिहड़े हैड ग्रंथी ननकाणा साहब ने, उन्होंने गुजारिश की सी कि तकरीबन 350 प्राणी तैयार बैठा है गुरु वाले।